मस्त मस्त अरे मस्त 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 बन जा रहा मस्त। देखो तो सारे लोगों का ध्यान अपनी ओर ही है। हाँ, लगता है आज हमें बड़ी तादाद में दर्शक मिलेंगे। हाँ, वो जगह अच्छी रहेगी। हाँ, वो लोग उस चौक में तमाशा करने वाले हैं। वाह, मुझे तमाशा देखना बहुत अच्छा लगता है। ऐसा है तो अपने उस्ताद को ही देख लो, उनसे बढ़कर तमाशा फिलहाल तो कोई नहीं। उस्ताद। ओए चिलगोजे, ज्यादा चौंच मत मार। देखना, सबसे ज्यादा तालियां लोग मेरे लिए ही मारेंगे। देवियों और सज्जनों, हम बंजारे पेश करते हैं खास आपके लिए, हैरान करके रख देने वाले करतब और कलाबाजियां। तमाशा बहुत बढ़िया जा रहा है ना भी? हाँ, जग्गू और राजू बिना किसी हिचक करतब कर पा रहे हैं। हाँ? अरे वो तो कालिया है ना? हाँ, उस साइकिल पर तो जग्गू और राजू अपना अगला करतब दिखाने वाले थे ना? ये कालिया न जाने कब सुधरेगा। वो दोनों चूहे अब साइकिल चलाकर लोगों की वाहवाही लूटना चाहते हैं, और हम ऐसा होने नहीं देंगे। हाँ? हट बाजू डेढ़ फुटिया राजू। अब तक बीच में गेहूं डालते तो वो भी पिस जाता और आटा बन के बाहर आता। वो तो छोटा भीम है। आ? वो तो छोटा भीम है। क्या बात है? काका, मुझे नालंदी वाला चाहिए। मुझे काला खत्ता। गुलाबी, एक मलाई, एक शरबती। और तुम क्या लोगे भीम? लो ना भीम, आज तुम्हारे और तुम्हारे दोस्तों की वजह से हमारे तमाशे ने खूब कमाई की। वैसे दर्शकों का मनोरंजन इन तीनों ने भी काफी किया था, गोले तो इन्हें भी मिलने चाहिए। हाँ हाँ, बोलो कालिया, फ्रूट सलाद चलेगा? देखो कालिया, मैं नहीं जानता कि तुम क्यों हमारा पीछा करते हुए ढोलकपुर से यहाँ तक आए। मुझे भी खोज पर चलना है। ठीक है बाकू चाचा, जकून को कोई एतराज तो नहीं होगा ना? कह नहीं सकता भीम। आग! जाओ मुन्ना, भाग जाओ, अपने आप को बचाओ।
मैं अब तो छोड़ के नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा दादी माँ। भीम, आग बुझ गई। हाँ चुटकी, थोड़ा वक्त लगा और चौक में काफी सामान का भी नुकसान हुआ, लेकिन आग आखिर बुझा दी गई। यूँ कहो कि मैंने बुझाई। तुमने? इतना भी चौंकने की कोई जरूरत नहीं है, मुझ में ऐसे कई हुनर हैं जिनकी तुम्हें खबर तक नहीं। वाह, ऐसी बात है तो बताओ तुमने आग कैसे बुझाई। वो क्या है कि मैंने जान लिया कि आग बुझानी है तो पानी का घमासान बहाव चाहिए, इसीलिए सबसे ऊंचे पेड़ पर चढ़कर चौक की पानी की टंकी पर छलांग मारकर मैंने एक डिशुम जबरदस्त मुक्का मारा ताकि फटी और पानी के बहाव ने आग को बुझा दिया। बस और क्या। हाँ? क्यों लंबी छोड़ते हो उस्ताद? चुप कर ढोलू के बच्चों। आप तो आग से बचने के लिए पेड़ पर चढ़े थे, फिर गलती से फिसल कर टंकी पर गिरे, वो भी सर के बल। अच्छा, तभी तो टंकी टूटी। वैसे भी कालिया की मोटी अकल के सामने 150 लीटर की ठोस टंकी भी पानी कम ही है। साइकिलिंग का विश्व चैंपियन है, अपनी साइकिल पर दुनिया दर्शन पर निकला है। आपका ढोलकपुर में स्वागत। हमने आपके और आपकी अद्भुत साइकिलिंग क्षमता के बहुत चर्चे सुने। थैंक यू, धन्यवाद। पर यहाँ मैंने ज्यादा लोगों को साइकिलिंग करते देखा नहीं। हमें बहुत खुशी होगी अगर आप हमारे इन बच्चों को साइकिलिंग की कुछ शिक्षा दे दें। मैं विश्व चैंपियन हूँ, कोई छोटा मोटा टीचर नहीं। ये मेरी तरह चैंपियन कभी नहीं बन पाएंगे। इतना घमंड अच्छा नहीं। घमंड अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है। मेरे जैसा साइकिलिस्ट पूरी दुनिया में नहीं। आप नहीं भी सिखाएंगे तो भी अब ढोलकपुर के लोग ये खेल जरूर खेलेंगे, सीखेंगे भी और आपसे जीत कर भी दिखाएंगे। क्या मजाक है। सारे लड्डू बन गए। हुँ?
जग्गू लड्डू संभालो वरना कोई चोरी कर लेगा। हाँ राजू, आजकल गांव में बहुत चोर घूम रहे हैं। चलो महल चलकर बाकी तैयारियां करते हैं। ये कैसे पंख? जग्गू जल्दी। महाराज, हमने आपको इतना नाराज पहले कभी नहीं देखा। कोई हमारे ढोलक पर हमारे लोगों का अनादर करे, ये हमें बिल्कुल मंजूर नहीं। बच्चों, अब ढोलकपुर की आन और शान तुम्हारे हाथों में। हमने तुम्हारे लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन साइकिलें मंगवाई हैं। स्वागत है। बहुत सी टीम्स हिस्सा लेने आई हैं, पर इस क्वालिफाइंग राउंड के बाद सिर्फ पहली तीन टीम्स ही फाइनल में जाएंगी। काली और नीली टीम रेस के फाइनल में। कौन सी होगी तीसरी टीम, पीली या ढोलकपुर की लाल? लाल! ढोलकपुर की लाल टीम तीसरे स्थान पर आकर पहुंच गई है फाइनल में। ये रेस खेतों, मैदानों, जंगलों से होती हुई वापस स्टेडियम पर खत्म होगी। कालिया, ये क्या हुआ? अभी टाइम नहीं है चुटकी, तुम जल्दी आगे जाओ। दोनों टीम्स हमसे बहुत आगे निकल गई। रेस के आखिरी 2 किलोमीटर स्टेडियम के अंदर 2 टीम्स पहुंच चुकी हैं। टीमों को पीछे छोड़ते हुए ढोलकपुर की टीम सबसे आगे निकल गई है और जीत गई है। शाबाश जी, क्या बात! आपने ठीक कहा था, मेरा घमंड ठीक नहीं था। राजू छक्का जरूर मारना। राजू विकेट उड़ाना उस्ताद। कालिया अरे वाह, मैं
अरे ये है कौन? क्यों पकड़ी है हमारी गेंद? चल वापस कर। क्यों पकड़ नहीं पाए? लो फिर से कोशिश कर लो। ये तो गेंद से भी तेज दौड़ता है। पर ये है कौन? अफलातून। काजू किशमिश बादाम डाल के बना लूं मैं लड्डू, खाके जिनको उंगलियां चाटे बच्चे और दद्दू। अरे बादाम तो अंदर ही छूट गए, अभी ले आती हूँ। बहुत ही स्वादिष्ट है ये तो, मैं तो सारे खा जाऊंगा। मैं अब और लड्डू नहीं खा सकता। काजू किशमिश बादाम डाल के बना लूं मैं लड्डू, खाके जिनको उंगलियां चाटे बच्चे और दद्दू। शक था कि कुछ गड़बड़ जरूर है, अब तक तो महाराज भी बच्चे बन गए होंगे। जब हमारा ये हाल है तो महल में महाराज और सारे सिपाहियों के साथ इंदुमती का क्या हाल होगा? हमें महल जाना चाहिए। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ लड्डू की ताकत। उसके बाद ही तुम ढोलकपुर से जा सकते हो और फिर कभी भी लौट कर मत आना। जो तुम कहो।